बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सरवण जी और उनकी टीम का हरियाणा में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जब सीएलसी की आपने जाके देखोगे वहाँ पे, जब वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप उनकी सर्वे करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा सीएलसी क्या है। सीएलसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने आप देखते ही पता लगेगा बच्चे को या लड़की या लड़के को वहाँ पे पढ़ाना है। मैं बाबा जाता हूँ तो मैंने देखा यार यहाँ पे बहुत सी संस्थाएँ खुली हुई हैं तो कहाँ पढ़ाया जाए। मेरा मन कर गया, मोदी जी भी कहते हैं सीकर एक शिक्षा नगरी है, तो उस शिक्षा नगरी में मैंने देखा कि भाई यहाँ पे शिक्षा नगरी में कौन सी संस्था अच्छी है। उसके लिए मैंने कहीं बड़े बिजनेसमैन से भी जानकारी या किसी से नहीं ली, मैंने एक छोटे से चाय वाले से बात की, वहाँ पे रुका चाय पी। मैं यार यहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाना है, कैसे क्या रहेगा जी, पढ़ाना है या ऐसो आराम दिलाना है। मैं जी पढ़ाना है, ऐसो आराम तो हमारे घर में ही है, उसके लिए तो हमने कुछ सोचना ही नहीं। ऐसो आराम तो घर में हर माँ बाप अपने बच्चे को देने के लिए तैयार रहता है, भाई अच्छा से अच्छी उसको वो दी जाए, खाना है पीना है, परंतु उसको खाने पीने के लिए बाद में कौन करेगा जब हम मर जाएंगे, उसके बाद भी तो उसको जीना है। तो फिर न बोला तो जी आपके पास एक ही विकल्प है पढ़ाने के लिए, आप सीएलसी ज्वाइन करें और जाके देखें। फिर मैं सीएलसी गया, सीएलसी जाके वहाँ पे पूरी मैनेजमेंट से बात की, उसके कैंपस में घूमा, हॉस्टल में गया, वहाँ पे आप जाओगे बहुत बड़ी फैकल्टी है, नहीं कहीं आपको ये ट्यूशन की जरूरत है, नहीं कुछ है, वहाँ पे डाउट काउंटर लगते हैं बच्चे को, मतलब बिजी। बच्चा ये नहीं कहेगा आपका मैं मेरे को ये नहीं आता, ये सर पूछते हैं भाई तेरे को क्यों नहीं आया, किससे नहीं आया। उसमें एक सब्जेक्ट की कई कई टीचर रख रखे हैं सर ने, अगर एक रामलाल, एक श्यामलाल, एक मोहनलाल, भाई मोहनलाल से पढ़ता है, इससे नहीं आया तो श्यामलाल रहा, परंतु हमें ये बता कि आता है कि नहीं, आना चाहिए। इनकी तरफ से कभी भी वो नहीं मिलेगा कि भाई बच्चे को आया नहीं, वहाँ पे बच्चे को 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, बच्चे को पढ़ने वाला बच्चा चाहिए पूरी ही। वहाँ पे खाने की ये नहीं है कि भाई बच्चे को खाना कैसा मिलेगा, मैं तो हॉस्टल में खा के आया हूँ खुद मेरे बच्चे के साथ में, जहाँ पे टीचर्स सर सरवन सर सभी खाते हैं वहीं पे बच्चा खाता है। ये नहीं है कि भाई इनके लिए अलग से है, इनके लिए तो भाई आलू की है, सर तो पनीर खा रहे हैं, नहीं, वो आलू है तो सबके लिए है, पनीर है तो सबके लिए है, ये बिल्कुल भी नहीं है कोई। बहुत ही अच्छा वातावरण है, मेरा तो यही कहना है कि आप एक बार जाके देखें, सर्वे करें, अच्छा से अच्छा वातावरण मिलेगा आपको सीएलसी में। जैसे थैंक यू। और मेरा बच्चा, सॉरी एक बात रहेगी, मेरा बच्चा 10th क्लास में मैंने भेजा, उन्होंने सर के आशीर्वाद से इनके उससे एसटीएससी में 13वीं रैंक प्राप्त की है राजस्थान में। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का। थैंक यू भरदर, बहुत बहुत धन्यवाद।